सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? तो चलिए मेरे घर आइए, दरवाजा खोलकर देखते हैं घर में कौन कौन है। ये मेरे दादा और दादी हैं। दादाजी रोज सुबह सवेरे दलान में दरी बिछाकर कसरत करते हैं। उनकी बहुत लंबी दाढ़ी है। वो दातुन भी रोज करते हैं। एक दिन मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरी दादी माँ ने मेरी दाढ़ दबाकर देखा और दांतों में दवा लगाई। फिर दादी माँ ने एक बात समझाई कि हमें दांतों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दातुन करनी चाहिए, दही दूध खाना चाहिए और दालें भी खानी चाहिए। अरे, ये मेरी मम्मी और दीदी क्या कर रहे हैं? हाँ, घर की सफाई कर रहे हैं, दीवारें और दरवाजे साफ कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार जो आने वाला है। हर जगह दीप जगाए जाएंगे, वाह क्या दृश्य होगा। मिठाई की दुकान से पिताजी खूब सारी मिठाई और ढेर सारा सजावट का सामान भी लाएंगे। फिर हम सब मिलकर देवी देवता की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने कौन सा अक्षर सीखा? अक्षर द। आइए देखें द से क्या क्या देखा हमने। द से दवा, द से दीदी, द से दूध दही, द से दादा दादी, द से दांत, द से दबाना, द से दरवाज़ा, द से दुकान, द से दिए, द से दर्द, द से देवी देवता और द से दाल। द से नंबर दो होता है और होता है नंबर दस। द से दुल्हा दुल्हन होते और होती है दावत भी। द से होते दही दूध और होती है दाल भी। द से प्यारे दोस्त हमारे और होती है दौलत भी। द से दिल और द से दया, द से दुखी है दूरी भी। द से होती है दुनिया और ये हमारा देश भी। द से दुम और द से दीमक, द से होती दवात भी। द से दौड़ना, द से देखना, द से होता दबाना भी।